डू यू नो फ्रेंड्स कि ये वही मेटल है येलो जिसने पिछले 2 महीने से बहुत सारे लोगों को रईस बना दिया और बहुत सारे लोगों के साथ इसने बहुत मजाक किया। लेकिन आप ये जानते हैं फ्रेंड कि जो लोग ट्रेड भी देखे का चैनल फॉलो करते हैं वे तो अच्छा प्रॉफिट बना गए, लेकिन जिनके पास ये पहली बार वीडियो पहुंच रहा है उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं आपको इसी प्रीशियस मेटल गोल्ड की एनालिसिस देने जा रहा हूं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट क्वार्टर क्या होने वाला है, तो आइए सीधा जंप करते हैं अपने आज के इस वीडियो में। सो वेलकम यू ऑल दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड वे देखे पे। और जैसा कि फ्रेंड ये वेलकम आपको गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है इस रिगार्डिंग आपको बुलाया गया है। तो गोल्ड की एनालिसिस करने से पहले फ्रेंड एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे मिलता हूं। चलिए फ्रेंड एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और सबसे पहले हम कुछ वेबसाइट्स पे जाएंगे, कुछ एक्सपर्ट लोगों की क्या राय है गोल्ड के बारे में ये देखेंगे, कुछ वेबसाइट्स को हम फॉलो करेंगे और फिर मैं आपको अंत में अपनी एनालिसिस बताऊंगा कि इसकी नेक्स्ट मूव क्या ये 2400 या 2500 का लेवल ब्रेक करेगा या फिर ये नीचे की तरफ 2250 और 2200 के लेवल पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड प्राइम एक्सपीटी का एक वेबसाइट मैंने ओपन किया है और जब आप इस वेबसाइट पे जाकर गोल्ड के प्राइस और फोरकास्ट के बारे में स्टडी करोगे तो यहाँ पे जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो ये है, द प्राइस प्रेडिक्शन फॉर गोल्ड आर जनरली पॉजिटिव विद मेनी एक्सपर्ट स्टेटमेंट मेंशनिंग प्राइस ऑफ 3000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर इन अ नियर मिड टर्म। तो ये वेबसाइट कह रही है कि आने वाले 3 से 6 महीने में गोल्ड का प्राइस जो है फ्रेंड वो $3000 पर आउंस पे पहुंच सकता है, यानी कि ये इसे लॉन्ग टर्म बुलिश बता रहे हैं। अब मैं आपको कॉट रिपोर्ट में लेके जाता हूं फ्रेंड, ये वेबसाइट है ट्रेडिंग स्टार जहां पे COT कॉट रिपोर्ट आता है। कॉट मतलब कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट है। और जब हम इसमें गोल्ड की कॉट रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और खास करके नॉन कमर्शियल डाटा, क्योंकि ये नॉन कमर्शियल भी हमारी तरह ही ट्रेडर होते हैं फ्रेंड, तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि लॉन्ग की पोजीशन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड तो देखिए यहां पे लॉन्ग पोजीशन में 3,729 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड बाय साइड की बनी है। और अगर हम शॉर्ट की बात करें तो 70,923 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट की हैं, यानी कि कॉट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म है फ्रेंड वो बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसमें चेंजेस के कॉलम को स्टडी करें फ्रेंड तो शॉर्ट टर्म में क्या चेंजेस है, चेंजेस ये है कि 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तो लॉन्ग के लगे थे लेकिन इसमें 23,000 कॉन्ट्रैक्ट और भी एड हो गए हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग की मूवमेंट नॉन कमर्शियल द्वारा गोल्ड में की जा रही है। और शॉर्ट में अगर आप देखें तो 71,000 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के थे लेकिन इसमें से -2,000 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए फ्रेंड, यानी कि जो सेलिंग कर भी रहे थे उनमें से सेलर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया।
तो ये जो क्वार्ट रिपोर्ट आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड, इससे यही अनुमान लगता है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड जो है वो अभी भी आपका बुलिश रहने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड गोल्ड बुलिश रहने के चांसेस हैं। अब मैं आपको एक वेबसाइट पे और ले चलता हूँ फ्रेंड, और ये है investing.com। investing.com पे जब आप जाओगे तो इस पेज को जरूर स्टडी कीजिएगा। यहां पे लिखा है गोल्ड प्राइसेस स्टडी बट हेड फॉर स्टीप वीकली लॉसेस एज रेट कट होप्स विन। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड, यानी कि फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, इसने अभी इंटरेस्ट रेट कट करने से मना कर दिया है। चांसेस नियर अबाउट नहीं के बराबर है फ्रेंड, जिसकी वजह से लास्ट वीक जो गोल्ड है आपका वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता हुआ, बियरिश होता हुआ दिखाई दिया, और तकरीबन गोल्ड ने 4% का ड्रॉप लिया है एक वीक के अंदर। अगर आप इसी रिपोर्ट को थोड़ा सा और स्टडी करोगे तो यहाँ पे लिखा है रेट फियर पुशेस अप द डॉलर एंड ऑल्सो वेटेड ऑन द ब्रॉडर मेटल प्राइसेस अमॉन्ग इंडस्ट्रियल मेटल कॉपर प्राइसेस। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन क्या है, गोल्ड वाज आल्सो हिट बाय वेनिंग सेफ हेवन डिमांड एज द डेथ ऑफ इरानियन प्रेसिडेंट डिड नॉट रैंप अप टेंशन इन द मिडल ईस्ट एज इनिशियली एक्सपेक्टेड। तो आपको पता है फ्रेंड, अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने, यानी कि फेडरल रिजर्व के गवर्नर ने रेट कट करने की संभावनाओं को लगभग मना कर दिया है, और इन्होंने सितंबर महीने तक इसे टाल दिया है। तो जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट जो है फ्रेंड वो स्ट्रांग हो जाता है, यूएसडी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, और लोग जो उसमें इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे हैं वो अभी विड्रॉल का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे लाइन में लिखा है फ्रेंड कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, जिनका चॉपर अभी क्रैश हुआ था और उसमें उनकी डेथ हो चुकी थी, तो आपको याद होगा कि इस वीक, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 20 मई से लेके 25 मई के बीच का जो वीक है, तो जब ये वीक की शुरुआत हुई थी मंडे ट्यूसडे, तो गोल्ड ने बुलिश मोमेंट बनाया था, और वो बुलिश मोमेंट इसलिए बनाया गया था क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि ईरान के प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो गई है तो मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है वहां पे टेंशन का माहौल बन सकता है। लेकिन जब ये देखा कि इस मामले का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, और मिडल ईस्ट हो या फिर किसी भी कंट्री में इस प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई फ्रेंड, उसे साजिश नहीं मानी गई और उसे एक एक्सीडेंट माना गया, जिसकी वजह से गोल्ड का जो बुलिश एक मोमेंट बनने की प्रोबेबिलिटी बन रही थी वो वहां पे श्रिंक हुई, और गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, पुल बैक हुआ, और इसने 3.4% अपने 3.4% का पुल बैक लिया इस वीक में, और ये नीचे की तरफ आकर क्लोज हो गया। तो ये वेबसाइट कह रही है फ्रेंड कि गोल्ड भले ही लॉन्ग टर्म में बुलिश हो सकता है, बट अभी शॉर्ट टर्म जो है वो इसका बुलिश नजर नहीं आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं फ्रेंड, और मैं आपको एक वेबसाइट और ले जाता हूं, डेली एफएक्स पे। लेकिन इस वेबसाइट को बताने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं फ्रेंड, और गुड न्यूज ये है कि ट्रेड विद एके ने आप लोगों की हैवी डिमांड की वजह से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, और ये वर्कशॉप फ्रेंड आज से ठीक 4 दिनों के बाद है, यानी कि 29 मई को ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। ये ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाला है फ्रेंड, और इसका जो टाइम होगा वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात में 8 PM to 10 PM, यानी कि ये पूरा 2 घंटे का पावर पैक वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप का जो मेन कंटेंट है, जो मेन टॉपिक है फ्रेंड, वो ये है कि बहुत सारे ट्रेडर जो है फ्रेंड अच्छी एनालिसिस कर रहे हैं, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट ओवरऑल वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। तो ऐसे ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है, और इसका मेन टॉपिक है कि आपको ट्रेडिंग के दौरान 8 ऐसे एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा जहां से आपकी विनिंग एक्यूरेसी 80% एंड प्लस हो सकती है फ्रेंड। तो ये वर्कशॉप अटेंड करना ना भूलें, और इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फ्रेंड, और इस वर्कशॉप का कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज का है। जी हाँ फ्रेंड, ओनली 99 रुपीज में ये 2 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप है जो 25 मई 8 PM to 10 PM ऑनलाइन होने वाला है। लिंक रजिस्ट्रेशन दे रखी है, तो आप इसे जरूर रजिस्टर करें।
अब मैं आपको ले जाता हूं फ्रेंड dailyfx.com पे, और अगर आप dailyfx.com की ये स्क्रीन देख पा रहे हो फ्रेंड, तो यहां पर भी लिखा है गोल्ड प्राइस सिंक सपोर्ट ब्रेकडाउन हेरल्ड मोर वीकनेस। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि गोल्ड अभी जो है वो और वीकनेस में जा सकती है। अगर आप इस पेज को पूरी तरीके से स्टडी करें फ्रेंड, तो यहां पे मेन जो टेक अवे है वो ये है कि गोल्ड प्राइस प्लमटेड ऑन थर्सडे फॉलोइंग स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूएस इकोनॉमिक डाटा। तो पिछले थर्सडे को जो यूएस का डाटा आया था फ्रेंड, वो स्ट्रॉन्ग आया था, जिसकी वजह से गोल्ड को थोड़ा सा पुल बैक लेना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा है फ्रेंड कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हायर एंड बूस्ट द यूएस डॉलर अगेंस्ट द मोस्ट करेंसी। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड लास्ट वीक पॉजिटिव रहा है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसकी वजह से इसके जो अगेंस्ट करेंसी है वे नेगेटिव गई थी फ्रेंड। एंड व्हेन इट वाज ऑल सेड एंड डन द प्रीशियस मेटल फेल 2% आफ्टर अ वोलेटाइल सेशन। तो ओवरऑल गोल्ड ने लास्ट वीक यूनाइटेड स्टेट डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से पहले मंडे ट्यूसडे को तो बुलिश मोमेंट बनाया, बट ये वीक खत्म होते होते वो बियरिश मोमेंट पे चली गई और 2% का ड्रॉप डाउन गोल्ड में देखा गया। अगर मैं इसे थोड़ा सा और स्टडी करूं तो यूएस इकोनॉमी परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर प्रूविंग मोर परसिस्टेंस देन एंटीसिपेटेड। तो यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट उन्हें अचीव करना है फ्रेंड, तो वो अपने टारगेट के ऑलमोस्ट आसपास चल रहे हैं, और ऐसे में यूएस कभी भी अपनी पॉलिसीज में ढील नहीं देगा फ्रेंड, और वो अच्छी परफॉर्मेंस करने की वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर का स्ट्रांग होने के चांसेस हैं, और गोल्ड जो है वो अभी थोड़ा सा बैकफुट पे हो सकता है। अब मैं आपको एक और लास्ट वेबसाइट दिखा दूं फ्रेंड, जिसमें मैं आपको fxtrade.com पे ले जा रहा हूं, और यहां पर भी अगर आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट जो वीक है, जो 27 मई से लेकर वीक शुरू होगा और 2 जून तक जो वीक चलेगा फ्रेंड, तो इस वीक में बहुत बड़ी खबरें तो नहीं है जिसकी वजह से गोल्ड में कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन अगर जो भी न्यूज है फ्रेंड वो वीक एंड में न्यूज आने वाली है, जिसके अंदर आप अगर देखोगे तो पीसीई प्राइस इंडेक्स डाटा है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस वेबसाइट को भी पूरी तरीके से पढ़ें तो ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट डॉलर की जो इकोनॉमी है, यानी कि यूएस की जो इकोनॉमी है फ्रेंड, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और गोल्ड को बैकफुट पे लेकर आया है। अब ये सारी चीजों को पढ़ने से क्या पता चल रहा है? ये पढ़ने से जो कंक्लूजन पता चलता है, जो मुझे समझ में आता है फ्रेंड, मैं आपसे वो शेयर करता हूं, और मुझे ये पता चलता है कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म तो बुलिश है, लेकिन नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 15 डेज ये अभी बियरिश हो सकता है। और इसी वजह से फ्रेंड, अगर आप myfxbook.com का सेंटिमेंट मीटर देखें, तो वर्ल्ड के जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, आप उनकी पोजीशन को अगर चेक करें, तो आज 25 मई की पोजीशन ये है कि 50% ट्रेडर बाइंग में है और 50% ट्रेडर सेलिंग में है, यानी कि ट्रेडर इस वक्त कंफ्यूजन की कंडीशन में है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इन ट्रेडर्स में से एक हैं कि जो गोल्ड कहाँ जाएगा इस कंफ्यूजन में है, तो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो किस तरीके से आपको हेल्प करती है और किन टॉपिक्स पे आप हमसे और भी वीडियो बनवाना चाहते हैं। अब मैं फाइनली आपको ले चलता हूं फ्रेंड, सारे चीजों को स्टडी करने के बाद मेरी खुद की एनालिसिस क्या कहती है। तो देखिए फ्रेंड, मेरा नेचर है मैं मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करता हूं, और अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो सबसे पहले देखिए ये मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है, और यहाँ पे अगर हम एलीट वेव थ्योरी के हिसाब से देखते हैं तो गोल्ड ने फ्रेंड अपनी थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट की थी, फोर्थ वेव उसने नीचे की तरफ कंप्लीट की थी, और फिफ्थ वेव जो है वो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट कर चुकी है। फिफ्थ वेव का जो प्रेडिक्शन होता है फ्रेंड, वो होता है कि ये 61.8% के लेवल को अचीव करता है, जो कि 2250 पे होना चाहिए था, तो इसने 61.8% का फिब एक्सटेंशन यूज ले लिया फ्रेंड, और इतना ही नहीं 78.6% का टारगेट भी यहाँ पे गोल्ड ने अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से अगर आप पिछले 2 महीने के कैंडल्स को देखें
तो ये ऊपर से कंटिन्यूअसली रिजेक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि गोल्ड में अभी बायर्स डेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं आरएसआई इंडिकेटर को लगा दूं फ्रेंड, तो आरएसआई की जो मूविंग एवरेज की लाइन है फ्रेंड, ये आपको 70 यानी कि ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रही है। तो आरएसआई का भी ये कहना है कि मार्केट अभी ओवरबॉट हो चुका है, ये थोड़ा सा पुल बैक करेगा, थोड़ा सा बियरिश जाएगा, तो अभी हमें इसमें बाई की डेयरिंग नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको मंथली चार्ट से फ्रेंड वीकली चार्ट पे अगर लेकर जाता हूं, तो वीकली चार्ट पे बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे मतलब आरएसआई ने हमें मूवमेंट दिखाई है फ्रेंड। और अगर मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखा दूं, तो देखिए वीकली चार्ट पे आरएसआई जो है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, और कैंडल्स को देखिए तो ये हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि फ्रेंड आरएसआई यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है। और बियरिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि गोल्ड को अभी सेलिंग में जाना चाहिए। ओके, तो ये एक रीजन है फ्रेंड जिसकी वजह से मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम भी गोल्ड को बियरिश कह रही है। साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पे ये दोनों हाई के बारे में बताऊं, तो देखिए यहाँ पे ना गोल्ड ने इक्वल हाई बना दिया है। और बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड, अगर आप ट्रेड भी देखे के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो एसएमसी और आईसीटी के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि गोल्ड ने इस वीक में बीएसएल यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे बीएसएल क्रिएट हो गया था, तो जो रेड कैंडल है वो ऊपर से जाके लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और वो अब नीचे की तरफ है। इसका मतलब होता है फ्रेंड आईसीटी कंसेप्ट के अंतर्गत भी ये बियरिश ही बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट ने इक्वल हाई बनाया है और साथ ही साथ लिक्विडिटी को ग्रैब भी किया है, या आप इसको दूसरी भाषा में डबल टॉप भी कह सकते हैं। मार्केट डबल टॉप जब ही बनाता है फ्रेंड, जब लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स होता है, तो यानी कि बायर्स के हाथ से मार्केट का मोमेंटम लूज हो रहा है और मार्केट जो है अब वो सेलिंग जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज आइडेंटिफाई करके दिखाऊं फ्रेंड, तो बड़े ध्यान से देखना कि 2301 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, और आप पिछले 4 से 5 वीक को देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रखा है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि अगर गोल्ड बियरिश होता है नेक्स्ट वीक, तो ये 2300 तक का ये की लेवल यानी कि सपोर्ट लेवल को जरूर टच करेगा, तो ये 2300 तक के लेवल पे जा सकता है। और अगर सिमिलरली मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप अगर शो करूं फ्रेंड, तो यहाँ आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये फेयर वैल्यू गैप 2237 से लेके 2277 के बीच में है फ्रेंड, यानी कि गोल्ड अगर बेरिश होता है तो पहला सपोर्ट है इसका 23 पे, और अगर वहां से भी ये गिरता है तो फेयर वैल्यू गैप की जो प्रॉक्सिमल लाइन है फ्रेंड, प्रॉक्सिमल लाइन क्या होती है आपको नहीं पता तो आप पर्सनल मेंटरशिप बैच में आइए, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो इसकी जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो है 2277 या 78 के पास। तो मेरा मानना है वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड बियरिश होगा, और इसका पहला सपोर्ट है 23 और दूसरा सपोर्ट है 2278 के आसपास। तो मैंने देखो मंथली टाइम फ्रेम दिखा दिया फ्रेंड, डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखा दिया, और दोनों ही टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है आपको बियरिश दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ फ्रेंड, डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड क्या कह रहा है थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एज यूजुअल जैसे वीकली पे आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिखाया था, तो डेली भी टाइम फ्रेम पे आप देखें कैंडल जो है वो हायर हाई क्रिएट कर रही है और आरएसआई लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस है जो गोल्ड को अभी सेलिंग के प्रेशर के बारे में बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाऊं फ्रेंड, तो ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट का काम यू कैन सी इट हियर, ये बिल्कुल 2300 पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि गोल्ड अगर नीचे गिरता है तो 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसे 2300 पे एक सपोर्ट देगा, और जहां से इसके बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज ले जाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, तो बड़े ध्यान से देखना है फ्रेंड आपको कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 2270 से लेके 2320 के बीच में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है।
आप यहाँ पे गौर से देखेगा फ्रेंड, ये बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है जो लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये गैप है 2320 से लेके 2327 के बीच में, जिसकी वजह से यहां से गोल्ड थोड़ा बुलिश हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। मैंने आपको अभी बताया ना फ्रेंड, लॉन्ग टर्म तो बेयरिश दिखा रहा है, बट मैं अब बात कर रहा हूं नेक्स्ट 15 डेज क्या हो सकता है, तो यहां से गोल्ड थोड़ा सा बुलिश मोमेंट बना सकता है। और अगर मैं इसी के साथ साथ यहां पर फिबोनाची की बात करूं, तो देखिए फ्रेंड, फिबोनाची के जो लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल की अगर मैं बात करता हूं और आप यहां पर फिब लेवल लगा देते हो, तो मार्केट जो है गोल्ड का 2328-29 से बाउंस कर रहा है। इसे हम ICT में कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री। तो अभी जो गोल्ड है फ्रेंड, वो ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री पे खड़ा है, तो इसका मतलब है इसका बुलिश जाने के चांसेस मच मोर है, जो कि यहां से बुलिश बन सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको 5 रीजन बताए, जिनमें से पहले 2 रीजन इसे, सॉरी, पहला एक रीजन जो RSI का है वो इसे बेयरिश बता रहा है, बाकी सारे रीजन इसे बुलिश बता रहे हैं। RSI ने बेयरिश डाइवर्जेंस बनाया था, लेकिन 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको 2300 से बाय बता रहा है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। प्राइस ने जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट किया है, तो इस वाले कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक 2274 से लेकर 2320 के बीच में बन रहा है। तो इसकी वजह से भी मार्केट जो है फ्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक पे होने की वजह से ये बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी है, और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री भी है फिबोनाची की, जिसकी वजह से इसके बुलिश जाने के चांसेस हैं। तो मेरा ये एनालिसिस कहता है फ्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे कि शॉर्ट टर्म में जो गोल्ड है आपका बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब मैं आपको 4 आवरली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, और हाँ फ्रेंड, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर बार की तरह नीचे के सपोर्ट और ऊपर के रेसिस्टेंस कौन कौन से लेवल हैं जहां से आपको अपनी ट्रेड में एंटर करनी है। आपको याद होगा फ्रेंड, मैंने पिछले गोल्ड के वीडियो में आपको जो लेवल बताए थे वो लेवल ये थे, देखा आपने? तो ये पिछले वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है जहां पे ये लेवल थे फ्रेंड, और उस लेवल के बाद मार्केट जो है उसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से ट्रेड भी देखे की एनालिसिस आपके सामने आती है। और इस बार भी फ्रेंड, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि सेशन के एंड में जो मैं आपको टॉप हाई और लोस बताऊंगा, अगले 1 हफ्ते, 1 महीने या क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपको उस तरीके से ही दिखाई देने वाली है। तो अब हम चलते हैं 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, और सबसे पहले 4 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप आए फ्रेंड, तो RSI को देखिए। RSI जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है, इसका मतलब मार्केट का बुलिश जाना 4 आवरली टाइम फ्रेम पर भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। मार्केट क्या होगा, यहां से बुलिश होगा, क्योंकि RSI ओवरसोल्ड है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ठीक नीचे इस कैंडल के अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है 2300 से लेकर 2320 के आसपास तक ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है फ्रेंड, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी उसे बुलिश कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको फिबोनाची का लेवल दिखा दूं फ्रेंड, तो देखिए प्रीवियस लो से रीसेंट हाई में जब हम फिबोनाची लगा रहे हैं, तो प्राइस देखो बिल्कुल ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री पे स्टैंड करता है फ्रेंड। 2328 से इसने बाइंग मोमेंट बनाई है, तो इसका मतलब है फिबोनाची की ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री भी इसे बाय करने के लिए कह रही है। अगर मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा दूं फ्रेंड, तो आप बड़े ध्यान से देखेगा, मार्केट जो है वो सपोर्ट 1 के नीचे है, और ये सपोर्ट 2 पे जाएगा पहले, और सपोर्ट 2 कहाँ पे है, 2299 पे, यानी कि 2300 के लेवल पे इसका सपोर्ट 2 है। तो जो मैं आपको अभी बहुत देर से बता रहा हूँ फ्रेंड कि ये बियरिश होगा तो 2300 तक जाएगा, और उससे नीचे अगर गया तो 2278 का लेवल होगा। लेकिन मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि बुलिश होगा तो ये कहां तक जाएगा फ्रेंड, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रेसिस्टेंस लेवल कहां तक बन सकता है। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप चार्ट में पीछे आ जाएं, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, और वो जो की लेवल है फ्रेंड, तकरीबन वो की लेवल आप देखें तो ये बन रही है 2360 के आसपास।
अब मैंने ये की लेवल आपको क्यों बताया, यहां से देखिए मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहां पर भी मल्टीपल रिजेक्शन है, यहां पर भी देखिए मार्केट ने रिजेक्शंस ले रखे हैं और यहां भी मल्टीपल रिजेक्शंस है। तो एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है इसका 20 through 60 का। तो अगर ये बुलिश हुआ तो इसका फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल बनेगा 2360 तक। अब मैं आपको लेकर जाता हूं फ्रेंड फाइनल कंक्लूजन 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, यानी कि अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 27 मई से लेकर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 15 डेज गोल्ड क्या करने वाला है फ्रेंड। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए और लास्ट में मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पे ले जाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं फाइनल कंक्लूजन बताने से पहले बता दूं, भूलिएगा मत 29 मई को हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है आप जैसे ट्रेडर के लिए जो इस मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और एज अ करियर एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं। फ्रेंड ये वर्कशॉप सिर्फ 99 रुपीज का है, 2 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप होने वाला है फ्रेंड। तो इसमें रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजी हुई है, उस लिंक को जरूर क्लिक करें और हमारे साथ इस वर्कशॉप को अटेंड करें। अब आपको मैं ले आता हूं फ्रेंड यहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करके मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों इसे बाय की मोमेंट बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप देखिएगा यहां पे ना एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप रह गया है फ्रेंड, ये गैप रिफिल करना बाकी है और ये गैप कहां पे है 2331 से लेकर 2332 के बीच में। तो इसका मतलब है मंडे 27 मई को जब गोल्ड ओपन होगा फ्रेंड तो ये पहले 2330 से लेकर एक बाउंस लेगा बुलिश डायरेक्शन में। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर फिबोनाची का इस्तेमाल करूं फ्रेंड तो प्रीवियस लो से रीसेंट हाई में आप देखें तो मार्केट ऑलरेडी ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से बाउंस कर चुका है, 2332 से मार्केट ने बाउंस ले लिया है, यानी कि ये 27 मई से आपको बुलिश नजर आएगा। और अगर आप और भी थोड़ा क्लोज इसके बारे में स्टडी करें फ्रेंड तो देखिए ये ना यहाँ पे बना रहा है एक डब्लू पैटर्न, और डब्लू पैटर्न का मतलब होता है फ्रेंड कि यहां से मार्केट की बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरी वेबसाइट्स का और मेरी खुद की जो एनालिसिस मैंने आपको बताई इसका कंक्लूजन यही है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2 वीक तक, 2nd वीक तक मार्केट जो है गोल्ड का उसके बेरिश होने के चांसेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो गोल्ड का बुलिश होगा। और अब नोट कीजिएगा फ्रेंड फाइनल कंक्लूजन पे मैं आपको लेकर आता हूं, नोट कीजिएगा मेरे साथ, ये जो गोल्ड है फ्रेंड इसका अभी जो मोमेंट मिलेगा नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट 15 डेज ये बुलिश मिलने वाला है और ऊपर की तरफ इसका टारगेट है 2347 और वो टारगेट अगर ब्रेक होगा तो 2360 ये नेक्स्ट वीक का टारगेट है। नेक्स्ट मंथ का अगर मैं आपसे टारगेट बताऊं तो गोल्ड बियरिश है फ्रेंड, नीचे की तरफ इसका लेवल है 2300, 2278 और उसे भी अगर ब्रेक किया तो 2230 का लेवल है फ्रेंड जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर की बात करूं जून जुलाई एंड अगस्त, तो जून जुलाई और अगस्त में फ्रेंड गोल्ड बुलिश होगा, ऊपर की तरफ लेवल है 2450 का और अगर वो ब्रेक हुआ तो 2525 का। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये एनालिसिस आपको अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी ये एनालिसिस आपको, और ये एनालिसिस अगर आपके लिए वाकई हेल्पफुल है फ्रेंड तो अपने दोस्तों के साथ अपने ट्रेडिंग ग्रुप के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और मुझे आपके कमेंट ही मोटिवेट करते हैं फ्रेंड आपको इस तरीके के प्रीमियम वीडियोस देने का। अभी रिसेंटली हमने फंडामेंटल की पूरी सीरीज दी है फ्रेंड और मैं दावा करता हूं कि जिस तरीके से हमने फंडामेंटल की पूरी सीरीज में आपको फॉरेक्स के फंडामेंटल सिखाए फ्रेंड शायद ही यूट्यूब का कोई और चैनल इतने डीप में जाके आपको फंडामेंटल बताएगा। तो होप सो फ्रेंड यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अभी तक लाइक सब्सक्राइब या आपने कमेंट नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।